मतलब प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं। 17-20 क्वेश्चंस आपका आउट ऑफ 100 प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। हमारा सिलेबस क्या होगा और उस सिलेबस में हमारा कोर एरिया क्या होगा जहां से बार बार लगातार जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओल्ड एनसीईआरटीज को प्रेफर करना है आपको। अगर ओल्ड एनसीईआरटीज मिल जाती हैं तो उनको आप टारगेट करिएगा। अब आप कहेंगे कि सर अगर इंस्टीट्यूट से हम जुड़े हुए लोग हैं और हम पढ़ रहे हैं फिर क्लासमेट्स में दिक्कत क्या है, तो बिल्कुल दिक्कत है सर। क्या ये विषय करंट अफेयर से रिलेटेड है? खासतौर पर हिस्ट्री को लेकर के बहुत सारी मिथ्या मिसकंसेप्शन भी हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ पर स्टैटिक सब्जेक्ट है, स्टैटिक का मतलब स्थिर विषय है, जो फैक्ट्स हैं वो फिक्स हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, इसमें कुछ बढ़ना और घटना नहीं है। तो अगर कोई आपसे ये बात कहता है तो निश्चित तौर पर आपको गलत गाइडेंस दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतर होंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं यूपीएससी में हिस्ट्री, जो कि जीएस का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए। और ये आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। तो ये टॉपिक स्ट्रेटजी के संबंध में, एक रणनीति के संबंध में किसी विषय को तैयार किए जाने से है। अब प्रश्न ये है कि जब हम किसी विषय को तैयार करते हैं ठीक, तो उनमें किन किन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्राइमा फेसी जब हम किसी बात कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट की, तो कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए और उनका सीक्वेंस क्या होगा, इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। और ये आपको देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पर दिया हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखें तो पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो स्कोर का पॉइंट है। स्कोर का मतलब यहां पर है कि उस विषय का आपके एग्जाम में वेटेज कितना है, कितने क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं, हम इसकी चर्चा करें। तो जब आप ये जानते हैं, जब आपको ये पता लग जाता है कि उस विषय का वेटेज कितना है, तो एक सहज सा प्रश्न आपके मन में अगला ये आता है कि भाई इतने मार्क्स का ये सब्जेक्ट आ रहा है तो इस विषय में हमें पढ़ना क्या है, क्या चीजें ऐसी हैं ठीक है जो हमें पढ़नी है इस विषय में, तो क्या पढ़ना है। मीन्स आपको क्यूरियोसिटी होती है सिलेबस को जानने की। जब सिलेबस का अध्ययन आप कर लेते हैं, सिलेबस के बारे में आप समझ लेते हैं, तो फिर एक क्वेश्चन आपके सामने आकर के खड़ा हो जाता है कि भाई सिलेबस तो हमारा ये है, ये चीजें हमको पढ़नी है, तो प्रश्न ये है कि हमारा सोर्स क्या होगा, वो स्रोत क्या है जिसके माध्यम से हम अपने इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो स्टडी सोर्स की बात आ जाती है। तो जब हम स्टडी सोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या स्टैंडर्ड बुक्स का क्या रोल हो सकता है, एनसीईआरटी की क्या भूमिका हो सकती है, क्लास नोट्स, टॉपर्स नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ऐसी तमाम सारी चीजें आपकी स्टडी सोर्स का हिस्सा हो जाती हैं। तो जब हमें स्टडी सोर्सेज मालूम हो जाते हैं फिर हम क्या करते हैं, अगला अपने नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या स्टूडेंट्स के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर क्लास नोट्स आपको मिलते हैं। तो प्रश्न ये है कि जो क्लास नोट्स हमको मिले हुए हैं या जो हमने अपना स्टडी मटेरियल बनाया हुआ है, जिन सोर्सेज से हमने बनाया हुआ है, क्या जिस विषय को मैं तैयार कर रहा हूं ये किसी भी प्रकार के अपडेशन की बात करता है, क्या यूपीएससी के दूसरे विषयों साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमी, ऐसे सब्जेक्टों की तरह, ऐसे विषयों की तरह, ऐसे सब्जेक्ट की तरह क्या हिस्ट्री में भी जो विषय आप तैयार कर रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार के करंट अफेयर्स का रोल हो सकता है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। अब इस तरीके से करंट अफेयर्स के अपडेशन को समझने के बाद अब आपके प्रॉपर नोट्स हो गए हैं तैयार, तो प्रश्न ये आपके दिमाग में उठता है कि हम अपने आप को इवेल्युएट कैसे करें, प्री के स्तर पर हमारी कितनी तैयारी है, किसी भी टॉपिक पर हमारी ग्रिप या पकड़ कितनी है ये कैसे पता लगेगा, मेंस के स्तर पर हम किस लेवल पर हैं ये कैसे पता लगेगा। तो जो अपना असेसमेंट या इवेल्युएशन है अब वो प्रश्न आपके सामने आकर के खड़ा हो जाता है, जिसकी चर्चा हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग में करेंगे आपके साथ में। और फिर प्रश्न ये उठता है कि यूपीएससी के अंदर देखिए बहुत से जो है करंट इश्यूज से लेकर के ऐसे पूछे जाते हैं, तो क्या करंट इश्यूज पर ऐसे पूछे जाते हैं क्या हिस्ट्री जैसे विषय पर भी निबंध आते हैं, या अगर कोई निबंध डायरेक्ट नहीं पूछा गया हिस्ट्री से है, ये मान लेते हैं कि हो सकता है कि कोई डायरेक्ट नहीं आया, तो क्या जो निबंध पूछे गए हैं कंटेम्पररी इश्यूज से, करंट इश्यूज के साथ में, क्या उनमें इतिहास की भूमिका हो सकती है अपने ऐसे को और ज्यादा डाइवर्सिफाई करने में, उसे और बेहतर बनाने में, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें।
तो हम उस रोल की बात आपके साथ करेंगे। और फिर हम लास्ट में देखिए एक पॉइंट आ जाता है आपका, जो कि है रिवीजन का पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरी दृष्टि में इसलिए है क्योंकि जब आप एक लंबे समय से साल डेढ़ साल की प्रक्रिया में पूरे सिलेबस को तैयार करते हैं प्री और मेंस के, लेकिन लास्ट जब समय आता है, जैसे सपोज करें कि 4 वीक्स ही बचे हुए हैं, 2 वीक्स ही बचे हुए हैं, तो ऐसे में हम अपने पर्टिकुलर विषय को कैसे रिवाइज करें, तो रिवीजन हमारा कैसे होगा? क्योंकि जब हम रिवीजन करेंगे तो हमारे पास फैक्चुअल क्लियरिटी भी होगी और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी आएगी। तो क्लियरिटी हमारे पास कैसे आए, इसके लिए जो है आप रिवीजन को आप करना रहता है। तो यहां पर जो बातें आपको बताई गई हैं स्क्रीन पर, ये आपकी क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा के आधार पर, खासतौर से जब कोई फ्रेशर इस एग्जाम को तैयार करने के लिए आता है तो उसके दिमाग में जो बिंदु मैंने बताए हैं वो इसी क्रमिक ढंग से चल रहे होते हैं और उन्हीं को दृष्टिगत करते हुए, उन्हीं को फोकस करते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, जिनमें एक एक बिंदु की चर्चा मैं आपके साथ में डिटेल में करूंगा। बढ़ते हम लोग अपने अगली स्लाइड पर और देखिए स्कोर की बात सबसे पहले आई, जो सबसे वेटेज की बात कि कितना इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की। तो चूंकि एग्जाम में हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड आर्ट एंड कल्चर, ये पांचों चीजें पूछी जा रही हैं। इनमें से वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो किसका पार्ट है? केवल मेंस का पार्ट है। मतलब प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं। अब एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहां पर देखिए एक डेटा आपको दिया गया है, अप्रॉक्स 17-20 क्वेश्चंस आपका आउट ऑफ 100 प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। देखिए ये फ्लक्चुएट भी करते रहते हैं, कभी कभी इनकी संख्या जो है वो 22 तक भी जाती है, चली जाती है। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं है और ऐसा यूपीएससी सभी विषयों के साथ करता है, ये कोई इतिहास के साथ ही नहीं है, हर विषय के साथ है कि कभी बहुत कम क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी उस विषय से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन ऑन एवरेज अगर आप देखें तो मेरा ये मानना है, जो आपके सामने डेटा है इसके आधार पर आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि 20% क्वेश्चन आपके जो है वो प्रीलिम्स में यूपीएससी के हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अब यहां पर प्रश्न ये भी उठता है कि कई सारे सेगमेंट में हमें किसको वेटेज देना चाहिए, किसको फोकस करना चाहिए, तो सिलेबस के डिस्कशन में ये चीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको मैं एक बात बता दूं यहां पर कि अप्रोक्स 50% क्वेश्चन जो है आपके, 50% क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आते हैं। और इधर पिछले 3 से 4 वर्षों के अंदर आर्ट एंड कल्चर का रोल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर से आ रहे हैं। हालांकि एंसेंट का ही पार्ट आर्ट एंड कल्चर माना जाता है, मिडल का ही पार्ट आर्ट एंड कल्चर माना जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है वो बहुत गहराई में जाकर के पूछता है, बहुत डेप्थ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे 64 युगली टेम्पल को लेकर के क्वेश्चन पूछा, रामानुजाचार्य जी की स्टैचू को लेकर के भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन उन्होंने पूछा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे आपसे लगातार जा रहे हैं, तो इन्हें हमें तैयार करना। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पर स्कोर मेंस का क्या रहता है, वेटेज मेंस में कितना रहता है हिस्ट्री का। तो देखिए यहां पर मार्क्स लिखे हुए हैं 70-80 मार्क्स, 70 से 80 नंबर का जो है वो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है मेंस के अंदर जीएस फर्स्ट पेपर में। तो जीएस फर्स्ट पेपर के अंदर हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और सोशल इश्यूज आते हैं। इन विषयों में जो हिस्ट्री का वेटेज है वो 70-80 मार्क्स का है। आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 30-33% के आसपास जो है वो आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो स्क्रीन पर मैंने आपको एनालिसिस दी इसके आधार पर कि इतिहास विषय की इंपॉर्टेंस, महत्ता या वेटेज आपके एग्जाम में कितना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब हम देखते हैं कि अगर वेटेज ये है तो हमें पढ़ना क्या है, मींस सिलेबस क्या होगा हमारा। तो देखिए सिलेबस जो आपका बनता है प्री और मेंस का, वो कंप्लीट हिस्ट्री का आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, एंसेंट, मिडिल, मॉडर्न, वर्ल्ड और आर्ट एंड कल्चर। अब चूंकि सिलेबस प्रीलिम्स में सिलेबस को कैसे अप्रोच किया जाए, मेंस के अंदर सिलेबस में कौन कौन से पार्ट आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में, पिछले स्लाइड पर मैंने सॉरी आपको बताया कि वर्ल्ड हिस्ट्री केवल मेंस में आती है, तो इस आधार पर सिलेबस की एनालिसिस जो है उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर दूंगा, जिसमें हम प्रीलिम्स में हिस्ट्री में हमें हमारा सिलेबस क्या होगा और उस सिलेबस में हमारा कोर एरिया क्या होगा, जहां से बार बार लगातार जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर मेंस में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेंस के सिलेबस को हम लोग देखेंगे और सिलेबस में किन किन एरिया को हमें टारगेट करना, फोकस करना, जिससे मेंस में हम अच्छे आंसर लिख सकें। तो सिलेबस का एक
अलग से वीडियो में बना करके आपको दूंगा, क्योंकि सिलेबस एक डिटेल में समझा जाने वाला विषय है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक योद्धा के अस्त्र शस्त्र होते हैं, सिलेबस की उतनी ही ताकत होती है जैसे किसी युद्ध में जाने वाले योद्धा के हथियारों की ताकत होती है। और बिना अस्त्र शस्त्र के अगर आप चले जाएंगे तो आप ये मानकर चलिए कि आप युद्ध हारेंगे। तो सिलेबस तो इतना फोकस आपको करना है कि सिलेबस आपको याद करना है। मैं क्लास में भी अपनी सिलेबस लोगों को याद कराता हूं, रटाता हूं कि पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, कौन सी यूनिट में क्या पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है। जब तक आप सिलेबस पर अपनी पकड़ नहीं बनाएंगे तब तक आप कभी भी अच्छे जो है एस्पिरेंट नहीं हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तो इसका सेपरेट वीडियो हम लोग आपको देंगे, उस पर डिस्कस करेंगे आपके साथ में। नेक्स्ट अगर आप देखें तो बात वही है कि सिलेबस अगर जो भी है आप सिलेबस की वीडियो में देखेंगे तो सिलेबस को हम कहां से कवर करें, मतलब पढ़े कैसे, हमारे सोर्सेज क्या होंगे। तो सोर्सेज में बहुत सारी चीजें आपकी शामिल होती हैं, जिसमें स्टैंडर्ड बुक्स का रोल भी है, एनसीईआरटी का भी रोल है, क्लास नोट्स का रोल है, टॉपर्स नोट्स भी हो सकते हैं और शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके इन बिंदुओं को उठाएंगे। और यहां मैं आपको एक बात बता दूं, ये ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री में अगर आप सोर्सेज की बात करें तो आप कह सकते हैं अनलिमिटेड सोर्सेज हैं। दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में यहां पर बहुत सारे सोर्सेज हैं इतिहास में अलग अलग सेगमेंट को पढ़ने के लिए। तो अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बुक्स आपके सामने लिखी हुई है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हमें सर बुक्स बता दीजिए कि कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स होंगी जिनके थ्रू हम जो है अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं, फ्रेशर्स खासतौर पर इस बात पर ध्यान दें। एक तो वो जो किसी इंस्टीट्यूशन या किसी मेंटोर के थ्रू जो है वो अपनी तैयारी करते हैं, और एक वो लोग भी हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। बस हिस्ट्री के साथ थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो यही है, थोड़ी सी जो दिक्कत है वो यही है कि ये विषय बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। ऐसे में अगर अच्छा मेंटोर आपको मिल जाता है, अच्छा गाइड आपको मिल जाता है, तो आप कम समय में क्वालिटेटिव सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं और अच्छा गेन कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। तो सोर्सेज आपने देख लिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्स दिए हुए हैं, आर्ट एंड कल्चर में आपको किन बुक्स को टारगेट करना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप पूछते हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। अब बुक्स के बाद देखिए एनसीईआरटी की बात आ जाती है। अब यहां पर जनरली आप एनसीईआरटी को देखिए तो 9 टू 12 एनसीईआरटी दी रहती है कि हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो मूल बात यह है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप 9 से 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ें, और अगर आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है या 10+2 में आपका सब्जेक्ट रहा है, एसएसटी रहा है, और आपने पहले से पढ़ा हुआ है या इस पर आपकी थोड़ी बहुत समझ है, तो आप केवल और केवल 11th और 12th की एनसीईआरटी को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, 11th और 12th की एनसीईआरटी को आप टारगेट कर सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट मैंने दिया है जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में, इसको आपको फोकस करना है, इंपॉर्टेंट मैं इसलिए लिख भी रहा हूं। ओल्ड एनसीईआरटी को प्रेफर करना है आपको, अगर ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाती है, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा आपकी, तो उनको आप टारगेट करिएगा। ठीक है, उससे आपकी समझ जो है वो बेहतर होगी। फिर मैं एक बात आपसे कहूंगा कि अगर आप फ्रेशर हैं तो दिक्कत यही आएगी कि आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा, काफी एनालिसिस करनी पड़ेगी, काफी रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप एक क्वालिटेटिव कंटेंट अपने लिए तैयार कर पाएंगे जिससे एग्जाम में आपको फायदा हो। इसमें आपका समय ज्यादा लग जाएगा, ऐसा नहीं कि तैयार नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये कहता है कि क्या सेल्फ स्टडी से तैयार नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल गलत कहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं तैयार किया जा सकता, लेकिन आपको एनर्जी और टाइम ये दोनों ज्यादा देने पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह भी नहीं हो सकता है। तो एनसीईआरटी को हमें पढ़ना है। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कई बार कि एनसीईआरटी को हम किस उद्देश्य से पढ़ रहे होते हैं, क्या फैक्ट्स को तैयार करने के लिए पढ़ रहे होते हैं, केवल फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ रहे होते हैं, या मेंस की एनालिसिस के लिए पढ़ रहे होते हैं, मेंस बेस का रूल है। तो मैं आपको बता दूं प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा एनसीईआरटी का रोल नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, ऐसा होता था एक ट्रेंड में, काफी पहले हुआ करता था, 10 साल पहले आपको ऐसा होता था कि क्वेश्चंस आपको मिल जाते थे, लेकिन जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है इसमें एनसीईआरटी से आपको फैक्ट्स बहुत नहीं मिलते हैं। तो अब प्रश्न ये आपके मन में आ गया होगा एज ए फ्रेशर एस्पिरेंट, फिर तो नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा हूं कि नहीं पढ़ना चाहिए। क्या एनसीईआरटी के दूसरे रोल के बारे में आपने कभी जाना है, क्या आपको जानकारी है कि उसका और क्या रोल हो सकता है? तो देखिए एनसीईआरटी का जो मेन रोल है वो आपके प्रीलिम्स से कहीं ज्यादा मेंस पे है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेंस पे कैसे है, तो मेंस पे इसलिए है क्योंकि आपको जो आंसर्स लिखने हैं 150 वर्ड्स में लिखने हैं, यूपीएससी के अंदर जीएस में 250 वर्ड्स के आंसर्स लिखने हैं। अब 150 और 250 वर्ड्स में अगर आपको आंसर लिखना है और आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो हमें कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्या लिखना है, इसके लिए आप अगर एनसीईआरटी का अध्ययन करते हैं
तो यह बहुत बेहतर माना जाता है। एनसीईआरटी आपकी मेंस की राइटिंग, आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने में, सरल शब्दों में रिदमिक तरीके से आप अपने आंसर को कैसे लिखें, इसमें आपकी काफी मदद करती है। मैं आपको बता दूं कि बहुत बार लोग जो है वर्ड हिस्ट्री को लेकर के बड़ा चिंतित रहते हैं और वो पढ़ते हैं बहुत सारी किताबें, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं वर्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी के थ्रू, तो मुझे नहीं लगता जिनके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो भी वहां पर बेहतर मेंस के अंदर करके आते हैं। और इसी आधार पर, चूंकि मेरा ऑप्शनल में सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है, एक सब्जेक्ट रहा है सोशियोलॉजी के साथ में, तो मैं ये बहुत बेहतर ढंग से जानता हूं, क्योंकि पहले दो विषय हुआ करते थे, तो मैं ये बहुत बेहतर ढंग से जानता हूं कि अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो उसका क्या फायदा आपको मिलेगा प्रीलिम्स में और क्या फायदा आपको मेंस में मिल सकता है। तो मेंस में मुझे लगता है इसका ज्यादा रोल जाता है इन कंपैरिजन टू प्रीलिम्स एग्जाम। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आप देखते हैं जरा क्लास नोट्स को प्रिपेयर करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपके सामने। अब क्लास नोट्स की बात अगर आप कर रहे हैं तो आप कहेंगे क्लास नोट्स तो वो है जो क्लास के अंदर टीचर बनवा रहा है, बिल्कुल सही बात है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि क्लास नोट्स आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं तो इसका कोई ग्राउंड होगा, आधार होगा, मैं उस आधार की बात आपसे कर लेता हूं। अगर आप प्रेशर हैं तब तो आपको बहुत ज्यादा रिसर्च एनालिसिस की जरूरत होती है क्लास नोट्स में, और क्लास नोट्स आपके सटीक बने इसकी संभावना जो है वो जो है कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू जब आप किसी से गाइडेंस ले रहे होते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर अगर इंस्टीट्यूट से हम जुड़े हुए लोग हैं और हम पढ़ रहे हैं फिर क्लास नोट्स में दिक्कत क्या है, तो बिल्कुल दिक्कत है सर। दिक्कत कहां है ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कई बार आप मार्केट में उठा करके क्लास नोट्स को देखिए, बहुत सारे प्रिंटेड मटेरियल आपको मिल जाते हैं, तो कई नोट्स ऐसे हैं जिनमें पूरी की पूरी बुक को ही स्कैन करके प्रिंट कर दिया गया है। अब वो स्कैन करके प्रिंट कर दिया गया है तो वो बुक ही है, तो क्या आप उसको बेहतर नोट्स मानते हैं? या कई बार आप लोग हैंड रिटन नोट्स भी पा जाते हैं क्लास में जो लिखाए गए हैं, तो प्रश्न ये है कि जो क्लास नोट्स आपको दिए गए हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा, क्या उन क्लास नोट्स को बनाने में स्टैंडर्ड बुक्स का ही यूज किया गया है, या कुछ ऐसी बुक्स भी है स्टैंडर्ड बुक्स के अतिरिक्त जो एक सब्जेक्ट में व्यक्ति पढ़ता है, एक विषय के रूप में व्यक्ति पढ़ता है और वहां से उसका अपडेशन किया जाना चाहिए। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर जनरली हम बात क्या करते हैं कि अगर आप यशपाल ग्रोवर, बिपिन चंद्रा को पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपका मेंस कवर हो जाता है। कई लोग ये भी आपसे कहते हैं नहीं, स्पेक्ट्रम की एक बुक ले लीजिए, स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं तो उससे मेंस आपका कवर हो जाता है। लेकिन मैं यहां थोड़ा सा इन बातों से असहमत हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बुक्स और हैं जो नेशनल मूवमेंट पर बड़ी अच्छी लिखी गई जिनकी जानकारी लोगों के पास नहीं है। जैसे अयोध्या सिंह एक बुक आती है, नेशनल मूवमेंट पर बड़ी अच्छी बुक है, आर एल शुक्ला साहब में, और इनमें जो फैक्ट्स और एनालिसिस दी गई है कई बार वो आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी दिखाई देते हैं और मेंस के क्वेश्चन भी वहां से मिल जाते हैं। तो अब आप एज अ एस्पिरेंट जब आपको बहुत सारे विषय पढ़ने हैं, ठीक है, एक वास्ट सिलेबस को तैयार कर रहा है, ऐसे में आप पूरा फोकस हिस्ट्री पर नहीं कर सकते। इसलिए जो भी मेंटोर है, जो भी आपको गाइड कर रहा है, जो भी इंस्टीट्यूट है, क्या वहां पर जो टीचर आपको गाइड कर रहे हैं, आपका मेंटोर जो है, क्या उसने सही अप्रोच से उन नोट्स बनाए हैं, क्या उन नोट्स को प्रॉपर अपडेट किया जा रहा है, क्या उसमें बहुत सारी ऐसी बुक्स जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलती है, लोग नहीं कहते हैं, जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट जो है वो जानता है, क्या वहां से चीजें उठा करके आपके नोट्स में लाई गई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि क्लास नोट्स, क्योंकि कहा नहीं जाता कि हर चमकने वाली चीज जो है वो हीरा नहीं होती है, तो आपको यहां पर क्लास नोट्स पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। जो क्लास नोट्स आपको मिल रहे हैं उनके माध्यम से उनको भी आपको जो है इवेल्युएट करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा, और फिर उनमें क्या अपडेशन हो सकता है उसको प्रॉपर करना पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर सही अप्रोच से सही दिशा में नहीं बनाए गए हैं तो भी मुझे लगता है कि वो बहुत फायदा आपको नहीं करने वाले। इसलिए आपको क्लास नोट्स को बहुत ही फोकस करना है, क्योंकि यही वो आपका, आप स्टैंडर्ड बुक कह लीजिए, आप अपने नोट्स कह लीजिए, ये वही है जिनके आधार पर आप अपने करियर का निर्माण करने जा रहे हैं, आप एग्जाम को जो टैकल करने जा रहे हैं, ठीक है, चाहे आप फ्रेशर हो या पहले से आप एग्जाम दे रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। अब क्लास नोट्स को बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो प्रश्न ये है कि कुछ कई क्वेश्चन होते हैं ना कि सर क्लास नोट्स बना ही रहे हैं मान लीजिए हम, तो हम किन चीजों का ध्यान रखें, तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नोट्स जो आप बना रहे हैं वो सिलेबस की डिमांड के अकॉर्डिंग हो। सिलेबस आपका क्या डिमांड कर रहा है आपसे, उसके अकॉर्डिंग आपके नोट्स हों। फैक्ट्स और जो डेटा है, फैक्ट्स है और एनालिसिस, उसका
एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या लगता है कि अगर आप देखिए प्रोफेसर जब कोई बुक पढ़ता है, एनसीईआरटी पढ़ता है, तो क्या करते हैं जितने भी डेटा मिल जाएंगे, 4000 सैनिक भी लिखे होते, 4000 सोल्जर्स, उसको भी अंडरलाइन कर लेंगे वो। तो ऐसा नहीं है कि हर डेटा जो है फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जाता है, तो आपको इसको भी ध्यान देना। तो कौन से हमें डेटा को चुनना है, ठीक है, कितने फैक्ट्स को चुनना है, ये भी अपने आप में एक आर्ट हो जाती है, कला हो जाती है। साथ का साथ एनालिटिकल पार्ट पर हमें कैसे फोकस करना है, उस एनालिसिस को, विश्लेषण को हमें कैसे अपने नोट्स के अंदर लाना है, ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और इन क्लास नोट्स के आधार पर ही आप जो है, जब आप सिलेबस को, फैक्ट्स और एनालिसिस को ध्यान में रखेंगे, और डिमांड ऑफ क्वेश्चन, तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, डिमांड ऑफ एग्जाम कह लीजिए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इतिहास से, जैसे प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, उनकी डिमांड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयार करते हैं तभी आप एक बेहतर क्लास नोट्स बना पाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है क्लास नोट्स का, इसको आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते और इस पर आपकी प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। और जो बातें मैंने कही है, जो सावधानियां मैंने कही, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आप बेहतर नोट्स के माध्यम से अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं, एक बड़ा ट्रेंड जैसा चलता रहता है, एक चलन जैसा लोगों ने बना लिया, टॉपर्स नोट्स। अब भाई टॉपर्स की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 में आप देखते हैं, 10 में देखते हैं, भाई अगर 50 रैंक तक टॉप 50 पोस्ट यूपीएससी में आईएएस की है, तो जो रहे होंगे वो आईएएस ही होंगे, वो चाहे 39 नंबर पर हो या पहले नंबर पर हो, सफल तो वो भी है, सफल ये भी है। कोई ऐसा डिग्री तो मिल नहीं गई उनको कि उनको अलग से सैलरी दे दी जाएगी, उनको पावर्स अलग से मिल जाएंगे एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो पहले तो ये धारणा जो है ना टॉपर्स नोट्स की, कोई भी नोट्स बनाएगा, आप ही नोट्स बना रहे हो, तो आपकी जो कमियां हैं, ठीक है, उनको दूर करने के लिए आप नोट्स बनाएंगे, अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए नोट्स बनाएंगे, या दूसरे को ध्यान में रखकर के आप नोट्स बनाएंगे। कोई भी टॉपर है वो एक एस्पिरेंट ही है सिविल सर्विसेज का, और जब वो नोट्स बनाता है तो वो इन बातों को ध्यान में रखता है कि वो कहां पर, उसमें कहां पर कमी आ रही है, वो जब पढ़ता है तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, किस पोर्शन में उसे दिक्कत आ रही है, उस पोर्शन में कौन सा ऐसा पार्ट है जो उसे समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें वो बार बार उससे जो चीजें उसके दिमाग से क्या कर जाती है, स्लिप कर जाती हैं, वो भूलता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे सेगमेंट्स पर समान जो है वो ग्रिप एक व्यक्ति की हो, हो सकता है किसी को एंसेंट में इंटरेस्ट बहुत अच्छा है तो एंसेंट में वो आसानी से चीजों को तैयार कर लेता, तो किसी का मॉडर्न में इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है, तो किसी को मिडिल इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, किसी को वर्ल्ड हिस्ट्री पर है फोकस अच्छा है, उसको अच्छी समझ में आती है लेकिन वो मेंस का ही केवल पार्ट है, और किसी को आर्ट एंड कल्चर बहुत समझ में आता है तो एंसेंट अच्छा है लेकिन बाकी विषयों पर। तो ये सेगमेंट जो है इन पर आपको क्या करना है, एक बैलेंस अप्रोच बनानी पड़ेगी। अब पता लगा जो टॉपर था उसका एंसेंट में उसकी प्रॉब्लम थी और आपके एंसेंट में प्रॉब्लम बहुत है नहीं, और आपने टॉपर्स नोट्स को फोकस किया, तो यहां आपको कुछ बहुत बेहतर मिलने वाला नहीं है। तो आप कभी भी, मैं इस बात को फोकस नहीं करता और ना मैं इस बात से बहुत सहमत होता हूं, ऐसा नहीं है, विचारधाराएं अलग अलग हैं, आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि टॉपर्स नोट्स ऐसी किसी भी चीज को मैं खारिज करता हूं, मुझे नहीं लगता कि इस पर आपको बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि कल को आप टॉपर बनेंगे तो आप एक रोल मॉडल बन जाएंगे लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर टॉपर्स नोट्स ही सबसे ज्यादा जो है स्कोर करा सकते हैं तो हर व्यक्ति क्या करता, टॉपर्स के नोट्स लेता रहता, उन्हीं को पढ़ता, सारे लोग पढ़ते, सारे लोग सेलेक्ट हो जाते, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है, जबकि उनके नोट्स तो अवेलेबल हो जाते हैं आसानी से। तो इसका मतलब है कि आप उन नोट्स को बेहतर तो कह सकते हैं और बेहतर नोट्स तो आप भी बना रहे हैं, एब्सोल्यूट नहीं मान सकते कि नहीं यही पढ़ने के बाद हमारा सिलेक्शन होगा, इसलिए टॉपर्स नोट्स ऐसी कोई चीज नहीं, मैं इस पर सहमत बिल्कुल नहीं हूं। अगला प्रश्न ये आता है कि रिवीजन करना है हमको तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाए, तो शॉर्ट नोट्स बनाना भी अपने आप में एक आर्ट है, और देखिए इस पर कैसे आपको शॉर्ट नोट बनाने चाहिए। तो जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं या मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स में जो फैक्ट्स आपके पास आते हैं, मेंस में जो एनालिसिस का पार्ट आपके पास आता है, और जिसे आप बार बार भूलते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को अपने नोट्स में ही, क्लास नोट्स में ही क्या करना है, मार्क कर लेना है। वो सिंबल कोई भी आप बना सकते हैं, स्टार बनाइए, इस तरीके से आप कुछ भी बनाइए, मार्क कर लीजिए, और मार्क करने के बाद फिर उन्हें अलग से टॉपिक डालिए, उसकी हेडिंग डालिए, और उसमें इनको क्या करिए, लिख लीजिए उन पॉइंट्स को। अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने कोट करता हूं कि जैसे मान लीजिए आपने 150 पेजेस में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा, 150 पेज में लगभग प्री और मेंस के लिए आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा, अब आप उसका शॉर्ट नोट बना रहे हैं, तो शॉर्ट नोट बनाने में आपको कितने पेजेस, 15 से 20 पेजेस का इस्तेमाल करना है। A4 साइज के 15 से 20 पेजेस पर आपको उन फैक्ट्स को, जो रीजन रिसेप्शन के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं,
वो एनालिटिकल पार्ट, उसको उठा करके आपको क्या करना, जो आप भूल रहे हैं, जो आपके दिमाग से स्लिप कर रहा है, उसको नोट करते चले जाइए। अब ऐसे में लास्ट समय में आपको गुणवत्ता परक जो है रिवीजन में ये आपकी शॉर्ट नोट्स मदद करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट्स के बाद में, और फिर ये देखते हैं वही मूल बात कि क्या ये विषय करंट अफेयर से रिलेटेड है। खासतौर पर हिस्ट्री को लेकर के बहुत सारी मिथ्या धारणाएं भी हैं, ठीक है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि यहां पर स्टैटिक सब्जेक्ट है, स्टैटिक का मतलब स्थिर विषय है, जो फैक्ट्स हैं वो फिक्स हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, इसमें कुछ बढ़ना और घटना नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो अगर कोई आपसे ये बात कहता है तो निश्चित तौर पर आपको गलत गाइडेंस दे रहा है, आपसे वो बिल्कुल जो है गलत फैक्ट्स आपको बता रहा है, गलत एनालिसिस अपनी आपको इतिहास को लेकर के दे रहा है। इसका मतलब इतिहास की समझ उसको है ही नहीं है, इसलिए वो आपसे ऐसी बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा करंट अफेयर्स का रोल क्या, तो करंट अफेयर्स के रोल की अगर आप बात करें तो लास्ट पिछले 4-5 सालों में जो क्वेश्चन आए, मैं उन क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा पहले बताऊं, फिर मैं आता हूं उस पार्ट पर, उससे आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। धौलावीरा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया 2020 के अंदर, ये क्वेश्चन आयोग ने पूछ दिया धौलावीरा से रिलेटेड। तो धौलावीरा से क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि करंट में वो चर्चा में था। ठीक है, रामानुजाचार्य जी की स्टैचू का इनॉग्रेशन किया गया, उससे रिलेटेड भक्ति मूवमेंट को लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछा गया, करंट बेस्ड क्वेश्चन था वो इतिहास में। 64 योगिनी टेम्पल, क्योंकि हमारी जो है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग न्यू विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर के 64 योगिनी टेम्पल को लेकर के बताया गया कि इसका जो शेप जो है, संसद का जो हमारी पुरानी वाली पार्लियामेंट है उसका जो आकार है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल बेस कर रहा है किस पर, 64 योगिनी टेम्पल पर बेस कर रहा है। तो अब आप यहां पर देखिए कि करंट अफेयर्स के साथ में हिस्ट्री को कैसे जोड़ा जा रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई चलिए करंट में कोई लाइमलाइट में आ गया, चर्चा में आ गया, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यही नहीं है मित्र। नई रिसर्च भी चल रही है आपकी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2018 में अपनी रिसर्च कंप्लीट की, और वो रिसर्च किसको लेकर के थी, वो रिसर्च आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सिनौली को लेकर के आई। सिनौली कहां है, तो बागपत डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के अंदर। अभी तक हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस साइट के बारे में नहीं जान रहे थे, अब हमारे पास ऐसी नई साइट आ चुकी है, और उसमें ये बताया भी गया है, ये बताया गया है कि वहां पर हॉर्स फुल चैरियट के प्रमाण मिले हैं, जबकि घोड़े के साक्ष्य तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में केवल लोथल और सुरकुद्दा से मिल रहे थे। तो जो मैं फैक्ट ये बोल रहा हूं, जो बता रहा हूं, ये उनके लिए जो उन्होंने पढ़ा हुआ है। फिर सर ये बात ध्यान दें कि लगातार नई रिसर्च चल रही है, इतिहास इस समय अपने संक्रमण के काल से गुजर रहा है, ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, बहुत सारी थ्योरीज को लेकर के कंट्रोवर्सी है, बहुत सारी थ्योरीज को चैलेंज किया गया है, इतिहासकारों की अलग अलग विंग्स हैं जो एक दूसरे को काउंटर कर रही है, सिलेबस में बदलाव किए जा रहे हैं एनसीईआरटी के। तो इस समय ये सब्जेक्ट जो भी आपसे कह रहा है स्टैटिक है वो गलत बोल रहा है, ये पूरी तरीके से आज के समय में अगर आप इतिहास को देखेंगे, जिस समय आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, और अगर सब्जेक्ट डायनेमिक है तो आपको अपनी अप्रोच बदलना पड़ेगा और आपको करंट अफेयर से उसका अपडेशन करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अब इस करंट अपडेशन में क्या क्या रोल हो सकता है, तो इसमें देखिए ये तीनों चीजें ही आपके काम आ सकती हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, द हिंदू ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं इंग्लिश मीडियम में, जनसत्ता है हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, देखिए इन न्यूज़पेपर्स के अंदर हिस्ट्री में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होते हैं उनके संबंध में आर्टिकल्स भी आते हैं, वो फैक्ट्स भी आते हैं कि कहां पर एक्सकेवेशन किया गया। अभी हाल ही में ज्ञानवापी का जो डिस्प्यूट चल रहा है उस पर कहा गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे कराया जाना चाहिए, मामला कोर्ट में है, तो ये भी आप देखिए एक जो है यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना आपके लिए आगे बन रही है। तो इस तरीके से अब आप हिस्ट्री को अपडेट कर सकते हैं। कोई रिसर्च आपके पास आ गई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च है, ASI की रिसर्च है, उसमें कुछ चीजें आ गई है, या वर्ल्ड वाइड जो है कोई रिसर्च की गई है और उसको एड ऑन किया गया है, या वो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से रिलेटेड है तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप न्यूज़पेपर, मैगजीन और रिपोर्ट्स, इनके माध्यम से अपने विषय को अपग्रेड कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे लोग कह रहे हैं करंट अफेयर से, जैसे मैं एग्जांपल दूं इकोनॉमी जैसे विषय का, तो इकोनॉमी या अर्थशास्त्र में करंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हिस्ट्री में भी अब वो पुराना ट्रेंड नहीं रहा है और यहां पर भी डायनेमिक क्वेश्चन आते हैं, करंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए, तो जब करंट अफेयर्स के अपडेशन का कितना रोल हो सकता है ये बात हम लोगों ने समझ ली है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था कि अब इवैल्यूएशन, हम अपना असेसमेंट कैसे करें, हमारे नोट्स बेहतर बन गए हैं, हमने बेहतर नोट्स बना लिए, हमने करंट से चीजों को जितना अपडेट करना चाहिए था, जितना उसकी डिमांड थी हमारे सब्जेक्ट की, उतना हमने कर लिया है, तो अब हम
कैसे जो है अपने आपको इवेल्युएट करेंगे, अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे कि हमें कितना ग्रिप है अपने प्रीलिम्स और मेंस के एरिया पर। तो ऐसे स्थिति में कुछ प्रश्न आपके मन में आते हैं कि कितने वर्षों का पेपर सॉल्व करें, टॉपर्स के जो आंसर्स हैं वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कितना लाभदायक हो सकते हैं और आंसर राइटिंग कैसे की जाए। ठीक, आंसर राइटिंग में किन चीजों का ध्यान रखना है, बहुत बेसिक बेसिक बातें लोग आपसे नहीं करते हैं। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के पार्ट में कितने वर्ड्स हमें ले जाने हैं, बॉडी पार्ट में कितने वर्ड्स रहेंगे, बॉडी पार्ट पैसेज में रहेगा, पैराग्राफ में रहेगा, या फिर हमने पॉइंट्स में लिखे, तो इन बिंदुओं पर मैं चर्चा कर लेता हूं। तो अगर आपसे बात की जाती है हाउ मेनी इयर्स की बात है, तो ये एक आइडियल स्टेज है 5 सालों के, 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर पेपर्स को अगर आप प्रॉपर रिवाइज करते हैं तो आप एक ट्रेंड, आपको एक चलन आपको समझ में आता है कि आयोग कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनने चाहिए वो क्या है। और जब आप कि ग्रिप इस तरीके की हो जाती है कि आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि भविष्य में इस टॉपिक से यहां तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब अगला क्वेश्चन ये संभावित विकल्प बन रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, तो अपने आप जो है आयोग के ट्रैक पर चलना शुरू कर देते हैं और वहां से चीजें आपके लिए प्रीलिम्स में आसान हो जाती है। यहां पर मैं एक बात और भी कहूंगा, जब प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हो सकता है आपके नोट्स का पार्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड सोर्सेज हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि यहां से उन बिंदुओं को उठा करके, पॉइंट्स को उठा करके अपने क्लास नोट्स और बहुत इंपॉर्टेंट है तो शॉर्ट नोट्स का हिस्सा बना देना है, जिससे रिविजन में वो आपके साथ बार बार चलते रहे। टॉपर सेंसर कॉपी की बात अगर आप करें तो बिल्कुल रेफरेंस ले सकते हैं, यहां मैं इस बात से एग्री करता हूं, मैं टॉपर्स नोट्स का प्रीलिम्स में नहीं बहुत समर्थन करता, लेकिन मेंस के अंदर मैं ये बात आपसे कहूंगा कि यहां पर आप टॉपर्स के जो आंसर्स हैं, नोट्स नहीं, जो आंसर्स उन्होंने लिखे हैं उनको आप, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिन पर आंसर्स डाले जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां से लोग पढ़ रहे हैं वो लोग भी जो है मॉडल आंसर्स डाल देते हैं कि ये लोग जब टेस्ट दे रहे थे हमारे यहाँ एग्जाम से पहले, क्वालिफाई होने से पहले, तो ये कैसे आंसर करते थे, तो आप उन्हें एज अ रेफरेंस जरूर यूज कर सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया होगा कि हमें वर्ड लिमिट में कैसे लिखना है, क्या जो है कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया उसका कंटेंट क्या होगा, फैक्ट्स कितने होने चाहिए, एनालिटिकल पार्ट कितना होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को लिखने में हमें क्या सावधानी है। तो ये सारी चीजें आप यहां से एक रेफरेंस के रूप में, संदर्भ के रूप में आप टॉपर्स के आंसर की में देख सकते हैं। अब प्रश्न आता है आंसर राइटिंग का, जो कि असली खेल है आपका, क्योंकि इसी के बाद आप अगले चरण के लिए जाते हैं, ठीक है, साक्षात्कार के लिए जाते हैं, अगले चरण के लिए आप जाते हैं, क्योंकि सारा कुछ मेंस पर निर्भर करता है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का है, मेंस में यहां प्रीलिम्स के का रोल नहीं है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ सारा दारोमदार आपका किस पर है, आंसर राइटिंग पर है। अब आंसर राइटिंग को करने के लिए आपको वर्ड लिमिट का पता होना, वर्ड लिमिट कितने वर्ड्स में जो है वो हमें आंसर को लिखना है, तो ये आप जानते हैं कि जीएस के अंदर 150 और 250 वर्ड्स की वर्ड लिमिट आती है। अब इसमें इंट्रो का पार्ट कितना होगा, कंक्लूजन पार्ट कितना होगा, बॉडी पार्ट को कैसे लिखा जाना चाहिए, इन सारे बिंदुओं की चर्चा मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर मेंस में किसी भी मॉडल आंसर को कैसे लिखा जाना चाहिए, ठीक है, इसकी चर्चा मैं आपके साथ एक अलग डिटेल वीडियो में करूंगा, क्योंकि यहां पर चर्चा करने से आपका वीडियो लेंदी होगा और यहां पर आप, क्योंकि ये आंसर राइटिंग अपने आप में, ठीक है, सिलेक्शन में कहते ना जान है, प्राण है सिलेक्शन के, ये तो आपको पूरा का पूरा आंसर राइटिंग पर फोकस करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको मैं एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना करके और मॉडल आंसर्स के साथ कुछ आपको बताऊंगा कि देखिए ये आंसर्स हैं, अगर मुझे कुछ टॉपर आंसर्स भी मिलते हैं तो उनमें बताऊंगा देखिए इनमें कैसे अब वर्तमान समय में अगर एक क्वेश्चन आए तो इसमें कैसे अपडेशन किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको बहुत व्यवहारिक तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप सीख पाएंगे आंसर राइटिंग, क्योंकि यही मैंने कहा ना कि जिस समरी है जान है आपके सिलेक्शन की, मेंस, और मेंस किस पर निर्भर करता है, पूरा का पूरा आंसर राइटिंग पर निर्भर करता है। तो आगे बढ़ते हैं और अपने उसी क्रम में हम आते हैं कि ऐसे निबंध, इसका क्या रोल हो सकता है, क्या आप जिस विषय को तैयार कर रहे हैं उसकी निबंध में कोई भूमिका है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, कैसे हम अपने विषय का इस्तेमाल ऐसे के अंदर कर सकते हैं। अब आपको यह लग रहा होगा सर ऐसे पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, भाई यूपीएससी के अंदर 250 मार्क्स के 2 ऐसे आ रहे हैं, 1000 वर्ड्स में आपको लिखना है और 250 मार्क्स अपने आप में एक पेपर के बराबर है तो बहुत उपयोगिता हो जाती है, एक ही टॉपिक पर आपको लिखना है, तो ऐसे का रोल क्या हो सकता है यह आपको समझना चाहिए। तो देखिए ऐसे आपका एक इनडायरेक्ट इंटरव्यू है। अब आप सोच रहे होंगे ये इनडायरेक्ट इंटरव्यू कैसे होता है, अप्रत्यक्ष जो है वो साक्षात्कार कैसे हो सकता है, बिल्कुल है सर, देखिए कैसे है, ऐसे में जब कोई टॉपिक दिया जाता है तो उस पर आपसे आपके विचार पूछे जाते हैं, आप इंटरव्यू जब फेस टू फेस दे रहे होते हैं डायरेक्ट, वहां भी आपको जो है कोई टॉपिक दिया जाता है, सोशल इश्यूज को उठाया जाता है या कोई
कंकरेंट इश्यूज उठाया जाता है, उस पर आपके विचार मांगे जाते हैं। तो दोनों ही जगह आपको विचार प्रस्तुत करने हैं। इंटरव्यू में आप फेस टू फेस बैठे हुए हैं, मतलब डायरेक्ट चल रहा है, और ऐसे राइटिंग में आपके सामने इंटरव्यूअर नहीं है, एग्जामिनर नहीं है, आपको अपने आइडियाज को, आपको अपनी एनालिटिकल पावर को, आप कितना डाइवर्सिफाइड तरीके से सोच सकते हैं, कितना बेहतर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो आपकी पर्सनैलिटी की हैं, वो एक्चुअल में इनडायरेक्टली टेस्ट की जा रही होती हैं ऐसे के माध्यम से, निबंध के माध्यम से। वरना जब जीएस के चार पेपर हो गए, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, प्रीलिम्स में आपने फैक्ट्स की एनालिसिस देख ली, तो ऐसे रखा ही क्यों विषय के अंदर है? तो ऐसे आपकी इनडायरेक्ट पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है। वहां आप नहीं होते हैं, आपकी कॉपी होती है, उस कॉपी के आधार पर एग्जामिनर जज करता है कि आपकी सोच कितनी सकारात्मक है, कितनी डाइवर्सिफाइड है, कितना आप सटीक डिसीजन लेते हैं, कंक्लूजन आपके जो है वो आपके डिसीजन को बताते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी की वो जज कर लेते हैं आपके ऐसे के माध्यम से। और यही कारण है कि ऐसे में कई बार बहुत अच्छे नंबर भी मिलते हैं लोगों को, और कई बार बहुत खराब नंबर भी मिल जाते हैं। सिलेक्शन कराता भी है और रिजेक्ट भी करा देता है, बाहर रास्ता भी दिखा देता है। अब प्रश्न आता है हमारे मूल विषय, जिस विषय की हम लोग बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं। तो क्या इतिहास में विषय पर आधारित कोई डायरेक्ट ऐसे भी आते हैं? तो मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं हिस्ट्री से क्या ऐसे आना, वो तो करंट इश्यूज पर आता है, सोशल इश्यूज पर आता है। नहीं, आप देखिए जरा स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। और मजे की बात देखिए, ये बहुत लेटेस्ट मैंने उठाया, 2022 का ऐसे है। तो ये मिथ्या भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, जो धारणा लोगों ने गलत बना दी थी कि हिस्ट्री का कोई रोल नहीं है ऐसे के अंदर। तो पहला तो मैंने आपको पूरा का पूरा रोल दिखा दिया, एक ऐसे पूछा गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इनडायरेक्ट रोल क्या हो सकता है ऐसे के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से। सपोज करिए आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, मैं और पुराने एग्जाम्पल से उठा लेता हूं कि 2008 में एक टॉपिक आया था ऐसे का ही, रोल ऑफ मीडिया सोसाइटी, समाज में मीडिया की भूमिका से रिलेटेड भी ऐसा ही टॉपिक आया था, या ऐसे तमाम सारे टॉपिक और आप देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, इसी को मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, रोल ऑफ मीडिया जो आया था और इस पर आपको ऐसे लिखना था। अब आप लिख रहे हैं इसे को, तो क्या हिस्ट्री यहां पर यूज होगी? बिल्कुल यूज होगी। अब आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही अगर यूज कर दें कि मीडिया भारत के लिए कोई नया नहीं है, अशोक के समय से ही, ठीक है, दि ग्रेट अशोका के समय से ही हमें पाषाण मीडिया, ठीक है, वो दिखाई देता है। पाषाण मीडिया का मतलब क्या हुआ? इंस्क्रिप्शन हुआ, क्योंकि अशोक जनता के साथ संवाद कम्युनिकेशन कैसे एस्टेब्लिश करता था? इन्हीं इंस्क्रिप्शन के माध्यम से करता था। तो अगर आप यहां से उठा करके जो है अपने आंसर को लिखते हैं, तो आप इतिहास के रोल को बखूबी जस्टिफाई कर पाते हैं अपने ऐसे के अंदर, निबंध के अंदर। और ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनगिनत उदाहरण है जहां पर इतिहास को आप ऐसे लिखने समय आप उस विषय का बेस इतिहास से आप उठा सकते हैं, और वो एग्जामिनर को ये बताने में हेल्प करेगा कि भाई जो व्यक्ति ऐसे लिख रहा है उसकी समझ उसके विषय पर बहुत अच्छी है, न उसे केवल आज का पता है बल्कि उसे अतीत का भी पता है। तो ऐसे में आपका जो ऐसे होगा वो बहुत ही बेहतर होगा, उसकी मार्किंग भी बहुत बेहतर होगी, ये बात आप मान लीजिए। तो यहां पर ऐसे की भूमिका आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। पर अब हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि जब हमने सब कुछ पढ़ लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब वीडियो की शुरुआत की थी, तो रिवीजन का क्या है, कैसे रिवीजन किया जाए, कितना रिवीजन करना चाहिए? तो जब आपके पास समय कम है, 1 मंथ का समय है, 2 वीक्स बचे हुए हैं, ऐसे में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से वॉश आउट हो जाती है, धुल जाती हैं, आप फैक्ट स्लिप करना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, प्रेशर आप पर लगातार एग्जाम की ओर जाते समय बढ़ता रहता है, जितना समय करीब आ रहा होता है, क्योंकि करियर का प्रश्न है, स्वाभाविक सी बात है, हर व्यक्ति चाहता है उसका करियर बेहतर हो। तो ऐसी स्थिति में रिवीजन ही वो पॉइंट है, वो बिंदु है जिसके माध्यम से आप अपने डाउट्स को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं कभी नहीं कह रहा हूं खत्म कर देंगे, आप मिनिमाइज कर सकते हैं और क्लियरिटी को अपनी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो चाहे फैक्ट्स को लेकर के हो या एनालिसिस को लेकर के हो। तो जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उनको, जैसे आपको पहले मैंने बताया, बेहतर ढंग से आपने तैयार किया हुआ, जिसमें एनालिटिकल पार्ट भी है और आपका फैक्चुअल पार्ट भी है, अब उसे आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। तो मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था, मैं वहीं से फिर से जोड़कर आपको बताता हूं कि आपने 15 to 20 पेजेस के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा बना लिया है
और अब आपको एग्जाम का एक हफ्ता बचा हुआ, आप रिवाइज करना चाहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि नोट्स बहुत कम वर्ड्स में है, तो 2 से 3 घंटे में आप ये पेज रिवाइज कर सकते हैं। और ऐसा आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं रिविजन, अगर आपके शॉर्ट नोट्स बेहतर ढंग से आपने प्रिपेयर किए हुए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, खासतौर पर वो लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के इच्छुक हैं या इस कॉम्पिटिशन में हाल ही में आए हैं या कुछ समय उन्होंने दे दिया है एग्जाम को, उनके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो हो सकता है। क्योंकि आप जिन बिंदुओं को सोचते हैं अपनी तैयारी के लिए कि हमें किस क्रम में, किस सीक्वेंस में जाना चाहिए तैयारी करने के लिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, वो सारे क्रम मैंने बताने की कोशिश की है। इसके बावजूद अगर कोई थ्योरी आपके दिमाग में रह जाती है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाता है या कुछ डाउट है, तो आप स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिए हुए हैं आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको हेल्प करूंगा कि आप जो है उन बिंदुओं को और बेहतर ढंग से समझ सके, उनके एग्जांपल्स मैं आपको कोट करूंगा, जिससे आप इतिहास विषय पर एक बेहतर ग्रिप अपनी बना सकें और बेहतर स्कोर कर सकें, सफलता की ओर बढ़ सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।